अनलॉक टूल को जैसे ही हमने ओपन किया, सबसे पहला हमारा डिफॉल्ट सिलेक्ट होता है एमआई, सबसे पहला टैब। तो हम लाइन से देखेंगे सभी टैब में किस में हम क्या कर सकते हैं। तो ये हमें ब्रांड वाई मिलेंगे, दूसरा हमें क्वालिकॉम और मीडिया टेक, ये यूनिवर्सल मिलेंगे, इनके अंदर हम हर ब्रांड के मॉडल कर पाएंगे। तो वो उनको हम अलग तरीके से देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं एमआई। तो देखिए एमआई में सबसे पहला ऑप्शन दिया है फ्लैश, एमआई फ्लैश। तो ये आपको एमआई का मोबाइल कोई भी फ्लैश करना है तो फ्लैशिंग के लिए दिया है। तो जब भी हम एमआई का मॉडल फ्लैश करते हैं तो हमें सर्वर पे क्लिक करके यहाँ मॉडल सिलेक्ट करना होता है। लेकिन आपके लिए सरल तरीका, मॉडल अभी आप सर्वर पे जाएंगे, इसकी लिस्ट में मॉडल ढूंढेंगे, इससे अच्छा है हम मॉडल पहले ही नहीं ढूंढेंगे, पहले हम करेंगे फाइल सिलेक्ट। ये लिखा है EDL 9008, यानी हमारा मोबाइल 9008 पोर्ट में फ्लैश होगा। इसके सामने ये बना है फोल्डर का चिन्ह, फोल्डर के आइकॉन पे आप दबाएंगे और आप कर लेंगे फाइल को सिलेक्ट। तो डेस्कटॉप पे फाइल रखी हुई है, हम डेस्कटॉप पे जाएंगे और ये हमारी फाइल रखी हुई है। कोई भी MI का मोबाइल, चाहे मीडिया टेक हो चाहे क्वालिकॉम हो, जो हमारी फाइल का फोल्डर होता है उसके अंदर होती है इमेज फोल्डर, इमेज के नाम से फोल्डर होता है, उसके अंदर होती है हमारी फ्लैश फाइल। तो जैसे ही हमने इमेज का फोल्डर खोला, लेकिन जब आप फाइल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपको ना तो रो प्रोग्राम दिखा, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हम किस फाइल को सिलेक्ट करें, आपको डायरेक्ट लोड पर ओके करना है। और लोड पे आपने सेलेक्ट कर दिया तो ये फाइल आपकी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गई। कभी कभी यहाँ पे एक मैसेज भी देता है कि रॉ प्रोग्राम जीरो लेना है या क्या लेना है, तो आपको उसको सिर्फ ओके करना होता है। तो ये आपकी फाइल हो गई सिलेक्ट। अब आप फ्लैश करेंगे तो हमें किस किस ऑप्शन पर टिक लगाना है। तो देखिए पहले हमने यहाँ से फाइल कर ली सिलेक्ट। अब फाइल जैसे ही हमने सिलेक्ट की तो यहाँ देखिए ये जो इसका नाम जहाँ हमें सिलेक्ट करना होता है, यहाँ ऑटोमेटिक दिखने लगा Xiaomi Redmi 5A रीवा। ये जो रीवा नाम लिखा है हमारी फ्लैश फाइल का नाम है। एमआई के जितने भी मॉडल होते हैं सबकी अलग अलग फाइल होती है। जैसे हमारा नोट 4 होता है उसकी फाइल का नाम मिडो होता है, रेडमी 7 उसकी फाइल का पाइन नाम होता है, रेडमी आपका 4X सेंटोनी लिखा होता है। तो एमआई की फाइल के नाम होते हैं। अब हम इसको कर देंगे सर्वर पर क्लिक। तो हमें फायदा ये हुआ कि पहले हमने फाइल सेलेक्ट की तो ये नाम ऑटोमेटिक आ गया। अगर हम यहाँ पहले ढूंढते तो हमें इस लिस्ट में इसका नाम ढूंढना पड़ता, नीचे ऊपर खिसका के फिर हम फाइल सेलेक्ट करते। लेकिन हमने फाइल सेलेक्ट करके सिर्फ एक ही टिक लगाना पड़ा, लिस्ट में हमें नाम नहीं ढूंढना पड़ा। तो फाइल सेलेक्ट करने का ये तरीका इजी है। इसके बाद यहाँ लिखा है प्रोटेक्ट EFS, इस पे हमें टिक लगा रहने देना है। इससे क्या होगा, फ्लैशिंग के दौरान हमारे मोबाइल का ओरिजिनल सिक्योरिटी IMEI कभी डिलीट नहीं होगा, उसी में रहेगा। तो इस पे हमें टिक लगा रहने देना है। और ये लिखा है EREG EFS, इस पे हमें टिक नहीं लगाना है क्योंकि इससे हट जाएगा, इससे हमारा सिक्योरिटी डिलीट हो जाएगा। तो हमें हमेशा प्रोटेक्ट पे ऑटोमेटिक टिक लगा है, लगा रहने दीजिए। इसके बाद लिखा है रीसेट MI क्लाउड। तो रीसेट MI क्लाउड इस पे आप टिक लगा लेंगे। क्यों, कि अगर आपका मोबाइल हैंग ऑन लोगों पे अटका है, कस्टमर का चलाते चलाते हो गया, आपको फ्लैश करना है, इस पे आप टिक लगा देंगे तो उसके साथ साथ अगर उसमें MI अकाउंट लगा हुआ है तो वो भी हट जाएगा फ्लैशिंग के साथ ही, आपको अलग से नहीं हटाना पड़ेगा। इसके बगल में ऑप्शन मिलता है EREG FRP, आप इस पे भी टिक लगा लेंगे कि फ्लैशिंग के दौरान हमारा FRP भी हट जाएगा, हमें दोबारा से उसको नहीं हटाना पड़ेगा। इसके बाद दिया है डिसेबल MI क्लाउड। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, बट ये ऑप्शन अभी यहाँ से एक एक करके मॉडल वाई मॉडल भी स्पेशली आएगा। ये इसलिए होता है कि अगर आपके मोबाइल में सर्वर से MI क्लाउड ऑन है, कि आपने MI क्लाउड यहाँ से रिमूव कर दिया, फिर कस्टमर ने सिम डाला या वाईफाई कनेक्ट किया, तो वो दोबारा से लग जाएगा MI अकाउंट। अगर उसमें ऐसा MI अकाउंट लगा हुआ है जो सर्वर से ऑन है, तो आप इस डिसेबल पे क्लिक कर देंगे तो वो डिसेबल हो जाएगा। लेकिन ये डिसेबल करने का प्रॉपर तरीका अभी इसका सिक्योरिटी में मिलेगा, ये ऑप्शन यहाँ भी दिया हुआ है। लेकिन इसके बाद दिया हुआ है फुल फ्लैश, ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। जब भी आप मोबाइल कर रहे हैं फ्लैश, इस पर टिक लगा ही लेना है। क्यों लगाना है,
जो फाइल हमारे रॉ प्रोग्राम में कंपनी से डिसेबल होती है, जैसे परसिस्ट फाइल, कुछ फाइलें कंपनी से डिसेबल होती हैं, अगर हम फुल फ्लैश पे क्लिक कर देते हैं तो रॉ प्रोग्राम में फाइल वो चाहे डिसेबल हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा अनलॉक टूल जब फ्लैश करेगा तो जितनी भी फाइल है उसको फ्लैश फाइल के फोल्डर में मिलेंगी, वो ऑल फाइल को फ्लैश कर देगा। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, वही हमें हमेशा सिलेक्ट करके चलना है इसको। तो बस हमें कितना टिक लगाना है, डिसेबल वाले पे कोई लगाना जरूरी नहीं है, जब अगर डिसेबल करने की जरूरी पड़ेगी तो हमें सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में परमानेंट ऑप्शन उसका मिलेगा। तो अभी हमने रीसेट एमआई क्लाउड पे लगा लिया, इरेज एफआरपी पे लगा लिया और फुल फ्लैश पे लगा लिया, ऑटो रिबूट पे लगाया, ऑटोमेटिक लगा रहने दो, फर्मवेयर इन्फो हमें चाहिए नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, प्रोटेक्ट ईएफएस पे लगा है। अभी जो हमारी सेटिंग दिख रही है बिल्कुल सही सेटिंग है, सर्वर पे हमारा यहाँ टिक है, क्योंकि अगर हम सर्वर पे टिक नहीं करेंगे और यहाँ हमारा प्रॉपर मॉडल नंबर सिलेक्ट नहीं होगा तो हमारा मोबाइल फ्लैश नहीं होगा, अथेंटिकेशन एरर मारेगा, क्योंकि जो फ्लैश फाइल के अंदर लोडर होता है वो लोडर आईडी पासवर्ड से चलता है, हमें सर्विस सेंटर की आईडी और पासवर्ड चाहिए होता है, और जो हमारे अनलॉक टूल के सर्वर का लोडर है ये आपसे कोई आईडी पासवर्ड नहीं मांगेगा, आपका इस मॉडल में उसका प्रॉपर मॉडल नंबर सिलेक्ट होना चाहिए, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट फ्लैश होगा आपका सेट। इतनी सेटिंग करने के बाद अब आपको इसमें ध्यान देना है, अगर कभी आप मीडिया टैग सेट करते हैं, जो हम मीडिया टैग के टैब में जो सेट बताएंगे, मीडिया टैग सेट हमेशा जो हमें ऑपरेशन करना है उसको हम स्टार्ट करने के बाद कनेक्ट करते हैं, यानी हमें फ्लैश अगर हम मीडिया टैग कर रहे होते तो पहले हम फ्लैश पे क्लिक कर देते और फिर मोबाइल कनेक्ट करते, लेकिन अभी हमारा क्वालीकॉम है तो क्वालीकॉम में पहले हम मोबाइल कनेक्ट करेंगे, ये छोटा सा नोटिस पॉइंट। यूएमटी में ऐसा होता है आगे पीछे कभी भी कनेक्ट करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अनलॉक टूल में पहले हम मोबाइल को कनेक्ट करेंगे अगर क्वालीकॉम है तो, और फिर हम करेंगे फ्लैश पर क्लिक, पहले मोबाइल पे क्लिक, पहले मोबाइल कनेक्ट और फिर फ्लैश पे क्लिक। तो देखिए इसमें होता यह है कि ये वेटिंग नहीं करता, वेटिंग सर्चिंग करता है सिर्फ और सिर्फ एमटी के मोबाइल, क्वालीकॉम वो देखेगा पोर्ट मिली इंतजार नहीं करेगा, नहीं है पोर्ट आपका फेल हो जाएगा। तो इसमें होता यह है ऑपरेशन अथ फ्लैश अथेंटिकेशन ओके, यानी सर्वर पे इसने सर्च किया, इसने डाटा वहां से लोड किया है ये कुछ केबी में, यानी इसका छोटा सा जो लोडर था उन्होंने सर्वर से लिया, अगर मोबाइल कनेक्ट होता तो हमारी फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाती। तो ये छोटी सी सेटिंग हमें ध्यान में देना है फ्लैशिंग के लिए, अगर आप इस तरीके से फ्लैश करते हैं और तो जो मॉडल इसमें सपोर्टेड होगा वो इस लिस्ट में नाम होगा, जो मॉडल सपोर्टेड नहीं होगा वो इस लिस्ट में नाम नहीं होगा। अभी अक्सर हमारा Note 5 Pro Note 6 Pro कई बार फ्लैशिंग में एरर दे रहा है, यूएमटी से भी दे रहा है और कभी कभी बाई चांस अनलॉक टूल से भी दे रहा है, लेकिन अनलॉक टूल से लगभग हो जाता है, एक बार फेल हुआ एक आध बार और हम ट्राई करते हैं तो हो जाता है। तो फ्लैशिंग में हमें सिर्फ इतना ही ध्यान देना है, ये था एमआई की फ्लैशिंग। अब आता है अनलॉकिंग, तो ये था फ्लैशिंग, इसके जस्ट बगल में हमारा सिक्योरिटी जो ऑप्शन है हम इस पे करेंगे क्लिक। अब यहाँ पे आपको बहुत ही सरल और इजी ऑप्शन मिलने वाला है, देखिए जैसे रेडमी नोट 11S इस पे क्या लिखा है अथ रोम, यानी ये मोबाइल हमारा ऑथेंटिकेशन ऑनलाइन फ्लैश होने वाला है लेकिन अनलॉक टूल से हमारा फ्री में फ्लैश होगा, और ये ब्रोम लिखा है इसका मतलब है कि हमारा मोबाइल मीडिया टेक सीपीयू वाला है, और जिस पे लिखा है ईडीएल आपको समझ लेना है ये हमारा क्वालीकॉम मोबाइल है जिसमें क्वालीकॉम का सीपीयू लगा हुआ है। तो अभी जो आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, ब्रोम यानी मीडिया टेक, ईडीएल मतलब क्वालीकॉम, चाहे वो आपको ये नाम किसी भी ब्रांड में मिले, मीडिया टेक और ब्रोम है वो ब्रोम और ईडीएल लिखा तो आपको समझ लेना है ओप्पो वीवो रियलमी किसी में भी, कि ब्रोम जिस पे लिखा है हमारा मीडिया टेक सीपीयू वाला मोबाइल है और जिस पे ईडीएल लिखा है ये हमारा क्वालीकॉम सीपीयू वाला मोबाइल है। अभी इसके जस्ट नीचे लिखा है वीटा वर्जन में है आपका ईडीएल लिखा है और साथ में इसमें ये लिखा है वीटा, तो इसको आपका लोडर जो है टेस्टिंग पे है, ये जो लोडर है जैसे Xiaomi Black Shark 4 Pro ये आपका टेस्टिंग पे है,
यानी ये लोडर आप इससे जो भी ऑपरेशन करेंगे आपका सक्सेस हो भी सकता है, अगर सक्सेस नहीं हो तो अनलॉक टूल वालों की कोई गारंटी नहीं है कि सक्सेस हो, वो भी टेस्टिंग पे है। तो ये भी टेस्टिंग पे कुछ मॉडल इसमें चल रहे हैं, तो इस हिसाब से आपको इस चीज को समझना है। अब आपको करना है कोई भी मोबाइल फॉर्मेट, तो जैसे अभी मैंने ये लिखा है रेडमी K30 Ultra, इस पे लिखा है ब्रोम, यानी हमारा ये मीडिया टेक है। जैसे ही हम इस पे डबल क्लिक करेंगे, देखो जैसे ही डबल क्लिक करेंगे जो ऑप्शन इसमें सपोर्टेड हैं वो आपको सामने दिखेंगे, और जो ऑप्शन सपोर्टेड नहीं है वो आपका हाइड हो जाएगा। जैसे पहला लिखा है अनलॉक बूट लोडर, हम इसका बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं, बूट लोडर को द्वारा रीलॉग भी कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट यानी हम इसका पैटर्न हटा सकते हैं, इरेज FRP यानी हम इसका गूगल अकाउंट भी हटा सकते हैं, रीसेट MI क्लाउड यानी हम इसका MI अकाउंट भी हटा सकते हैं। जो ऑप्शन हमें ये शो कर रहा है वो हम सारा काम कर सकते हैं। इसके बाद ये लिखा है रीसेट डिसेबल MI क्लाउड OTA। अब ये वो ऑप्शन है, वो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है कि जब भी आप मोबाइल में सिम डालते हैं, वाईफाई कनेक्ट करते हैं MI अकाउंट हटाने के बाद, तो हमारा अकाउंट दोबारा लग जाता है, तो इस वाले ऑप्शन से हमारे अकाउंट को ये डिसेबल कर देगा। और साथ में OTA यानी जो इसका ऑटोमेटिक अपडेट होता है वो ऑटोमेटिक अपडेट भी बंद कर देगा। ऑटोमेटिक अपडेट बंद करने के मिलेंगे आपको दो ऑप्शन, एक तो यहाँ ब्रोम मोड यानी डायरेक्ट स्विच ऑफ करके कनेक्ट करेंगे तब ये काम होगा, और दूसरा मिलेगा आपको डायरेक्ट ऑन मोबाइल में USB डिबगिंग ऑन करके, तो वो आगे फंक्शन में आएगा, हम वो भी बताएंगे आपको। तो इस फंक्शन का मतलब है कि आपका MI अकाउंट परमानेंट डिसेबल हो जाएगा, लेकिन ये कब तक डिसेबल होता है, जब तक हमारा कस्टमर उस मोबाइल को अपडेट नहीं करता है, इसलिए इसमें ऑटोमेटिक अपडेट भी डिसेबल हो जाता है, क्योंकि हमारा MI का MI अकाउंट और आईफोन की iCloud ये दो इतनी अच्छी सिक्योरिटी हैं कि कोई इनको परमानेंट ब्रेक नहीं कर सकता। अगर आप इसको सर्वर से करवाते हैं तो ही परमानेंट होता है, वरना ये जो सॉल्यूशन होते हैं तब टेम्परेरी होते हैं, ये सॉल्यूशन भी उतने टाइम ही चलेगा आपका जब तक कस्टमर उसको अपडेट नहीं करेगा। तो इन्होंने अपडेट भी ऑटोमेटिक बंद कर दिया कि कस्टमर उसको अपडेट ना कर सके, लेकिन गलती से उसका कभी सेट का सॉफ्टवेयर खराब होगा, उसने कभी फ्लैश करवा लिया तो दोबारा अटक गया MI अकाउंट, तो उसको दोबारा डिसेबल करना पड़ेगा। अब इसके नीचे जो ऑप्शन आता है फिक्स करप्शन, ये फिक्स करप्शन का ऑप्शन है, अगर आपने मोबाइल को फ्लैश कर दिया फिर भी रिस्टार्ट रिस्टार्ट हो रहा है, तो एक चांस है कि आप इसको करप्शन को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जो आपकी बूट लूप की समस्या है वो सही हो भी सकती है। किस कंडीशन में? अगर आपकी EMMC की हेल्थ सही है तो ये सही हो जाएगी, अगर आपकी EMMC की हेल्थ खराब है इसलिए रिस्टार्ट हो रहा है, फिर तो आपको हेल्थ रिपेयर करनी पड़ेगी। फ्लैश करते रहो कुछ भी करते रहो वो सही नहीं होगा, फिर हमें हेल्थ ही रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये थे हमारे मीडिया टेक के लिए ऑप्शन। और सबसे अच्छी सुविधा ये है कि जो मॉडल आप सिलेक्ट करेंगे, जो फंक्शन उसमें काम कर वर्किंग होगा सिर्फ वही दिखेगा। अब जैसे नीचे लिखा है YPEN भी, यानी आप इसका IMEI डिलीट कर सकते हैं लेकिन नहीं कर सकते, तो इसलिए हाइड कर दिया है। अभी इन्होंने नीचे एक कस्टम EMI का ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो कस्टम EMI होता है जो मोबाइल की हमारे फ्लैश फाइल के अंदर प्री लोडर फाइल होती है। कभी कभी कोई कोई सेट अगर हमारा एरर दे रहा है, इसमें मॉडल होते हुए भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो हमें कस्टम पे सिलेक्ट करके हम यहाँ से उसके प्री लोडर को सिलेक्ट कर देते हैं, तो हमारा मोबाइल कनेक्ट हो जाता है। तो इस टाइप से हमारे मीडिया टेक के फंक्शन थे। अभी यहाँ लिखा है Xiaomi Redmi Go, ये से लिखा है EDL, या नीचे लिखा है Note 10, कोई भी हम एक सिलेक्ट कर लेंगे जिस पे EDL लिखा है। जैसे ही हमने EDL पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ जो ब्रोम लिखा था वो हट गया, सब जगह EDL लिख के आ गया। अब उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? बूट लोडर अनलॉक नहीं कर सकते, आपके MI का जो मॉडल हमने सिलेक्ट किया है उसका बूट लोडर अनलॉक नहीं कर सकते। कुछ MI के मॉडल बूट लोडर अनलॉक होते हैं क्वालिकॉम, जो कि क्वालिकॉम यूनिवर्सल में है, तो वो जब हम उस स्टेप पे पहुंचेंगे तो उसमें आपको बताएंगे। तो यहाँ लिखा है अनलॉक बूट लोडर नहीं कर सकते, हाइड हो गया। फैक्ट्री रीसेट हम कर सकते हैं, हम इस मोबाइल का पैटर्न यहाँ से खोल सकते हैं, इरेज FRP गूगल अकाउंट भी हटा सकते हैं,
रीसेट डिसेबल एम आई क्लाउड ओटीए, जो ये हमने अभी बताया था कि अगर आपका बार बार एम आई अकाउंट लग रहा है हटाने के बाद, सिम डालने के बाद या वाईफाई कनेक्ट करने के बाद, तो यहाँ से हम उसको डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद नीचे दिया है डिसेबल एम आई क्लाउड। अब आप सोचेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, एक पे सिर्फ ओटीए लिखा है बाकी सेम टू सेम लिखा है, एक में ओटीए नहीं लिखा है। तो इसमें होगा ये कि जिस पे ओटीए लिखा है ये काम होगा आपका बूट लोडर अनलॉक करने के बाद। ये ऑपरेशन देखो, जैसे हम इस नीचे वाले ऑपरेशन पे क्लिक करते हैं तो ये कह रहा है, अभी ये बोलेगा आपकी यूएसबी नहीं मिली, मतलब आपका ऑपरेशन सीधा कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही हम इस ओटीए वाले पे क्लिक करते हैं, आपको एक वार्निंग मिलेगी, मेक श्योर योर डिवाइस बूट लोडर इज अनलॉकेड, यानी अगर आप इस बटन को यूज करते हैं तो आपके मोबाइल का बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए। आई अंडरस्टैंड टू कंटिन्यू। अगर आपका मोबाइल का बूट लोडर अनलॉक नहीं है, देखो ये भी लिखा है, इफ नॉट प्लीज यूज, अगर बूट लोडर अनलॉक नहीं है तो रीसेट डिसेबल एम आई क्लाउड, यानी अगर आपका बूट लोडर अनलॉक है तो ये डिसेबल वाली मेथड ट्राई करेंगे, और बूट लोडर अनलॉक नहीं है तो ये आप नीचे वाली मेथड ट्राई करेंगे। लेकिन मीडिया टेक में ऐसा नहीं है, अगर आप मीडिया टेक में डिसेबल ओटीए करते हैं तो ये खुद ऑटोमेटिक बूट लोडर अनलॉक करता, सब कुछ करता, ओटीए डिसेबल भी कर देता है। लेकिन क्वालीकॉम का बूट लोडर कभी ऑटोमेटिक अनलॉक नहीं होता है, कमांड उसमें हो तो भी नहीं होता है, उसके लिए हमें जाना पड़ता है एक क्वालीकॉम वाले टैब में। तो जब हम इस पे पहुंचेंगे तो वो भी दिखाएंगे किस मॉडल का हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो एक क्वालीकॉम का एमआई अकाउंट हटाने का ऑप्शन था। इसके बाद बैकअप ईएफएस, यानी जो हमारी ओरिजिनल सिक्योरिटी का बैकअप होता है, हम उसको यहाँ से बैकअप और रिस्टोर कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमें कुछ मीडिया टेक और क्वालीकॉम के अनलॉकिंग के ऑप्शन थे। तो मीडिया टेक में था प्री लोडर, इसमें देखो नीचे कस्टम फायर हॉस, यानी अगर आपको इसमें कोई लोडर है नहीं और बाईपास लोडर अगर आपके पास है तो आप अपना खुद का भी लोडर यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने ऑप्शन दिया है। इसके बाद कुछ फंक्शन जो यहाँ है ये कॉमन है, ये कोई भी मॉडल सिलेक्ट करो सब में ये सेम टू सेम मिलने वाले हैं। जैसे फास्ट बूट, रीड इन्फो ले सकते हैं, बूट कस्टम रिकवरी, राइट कस्टम रिकवरी। तो कस्टम रिकवरी का काम अभी हमें नहीं होता है, कस्टम रिकवरी का काम था हमें पहले जब हमें परमानेंट एम आई अकाउंट अनलॉक करने का ऑप्शन नहीं था, तब जाके हम रिकवरी में जाके उसको डिसेबल करते थे। वही दिया है अनलॉक बूट लोडर और इरेज एफ आर पी। तो अनलॉक बूट लोडर और इरेज एफ आर पी कब होंगे, जब इसमें देखो बूट लोडर अनलॉक होगा तो फास्ट बूट बोर्ड में एफ आर पी हटेगा, वरना नहीं हटेगा। और बूट लोडर अनलॉक कब होगा, जब उसमें पैच फाइल डली होगी बूट लोडर अनलॉक की। तो ये मेथड यहाँ की नहीं है, ये सब क्वालीकॉम स्पेशल टैब में आएगा। रिकवरी, इसमें भी आपको ये बूट रिकवरी वाले कोई फंक्शन काम में आने वाले नहीं है, क्योंकि रिकवरी मोड में एमआई अकाउंट आप नहीं हटाएंगे, अब डायरेक्ट हटने लगा, पहले जब नहीं हटता था तब जाके इनका यूज था। अभी नीचे एक ऑप्शन है, ये आप यूज में ले सकते हैं, साइड लोड रीड इन्फो, यानी हम मोबाइल को पैटर्न लगा है उसकी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो मोबाइल को ले जाएंगे रिकवरी मोड में, एम आई असिस्टेंट पे क्लिक करके उसको हम कनेक्ट करेंगे, उसको बोलते हैं हम साइड लोड मोड। उसमें हम इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, ई एफ एस को भी वाइप कर सकते हैं, लेकिन ई एफ एस सब मॉडल की वाइप नहीं होती। ई एफ एस वाइप का मतलब होता है ओल्ड आई एम आई को डिलीट करना, तो वो ऑल मॉडल का नहीं होता है, वो ई डी एल मोड में सबका होता है। साइड लोड मोड में कुछ ही मॉडल होते हैं जिनमें डाउनग्रेड कम वर्जन की सिक्योरिटी होती है। साइड लोड फॉर्मेट डाटा, ये आपका काम का ऑप्शन है, अगर आपको पैटर्न उड़ाना है तो इस पर फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल का पैटर्न हट जाएगा, लेकिन हमें इसकी भी जरूरी नहीं पड़ती क्योंकि हमें यहाँ डायरेक्ट ऑप्शन दिए हुए हैं, ये तो कभी इन्फो लेना है तो इसके लिए टैब है। इसके बाद फंक्शन, फंक्शन में हम सर्वर से एम आई अकाउंट चेक कर सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ हम मोबाइल का आई एम आई या सीरियल नंबर डालेंगे तो हमें इसका बताएगा जानकारी कि सर्वर से आपका फाइंड माई डिवाइस ऑन है या ऑफ है। अगर आपका ऑफ दिखा रहा है तो आप एम आई अकाउंट हटाते हैं तो दोबारा नहीं लगेगा, अगर यहाँ ऑन है एम आई अकाउंट आप हटाते हैं जैसे ही सिम डालेंगे दोबारा लग जाएगा, या वाईफाई कनेक्ट करेंगे तो ये हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। एडीबी बाईपास एम आई क्लाउड, इनका भी अभी आपको विशेष काम नहीं आने वाला, क्योंकि एडीबी एम आई बाईपास जो आपको करना है
अब वो डायरेक्ट हमें यहाँ ऑप्शन मिलने लगा सर है जो कि पैटर्न सभी लोग हटाने के पे लिए लगा डेटा था। डेटा जाएगा क्या उसका ऐसा? पैटर्न हटाने पे एमआई का डाटा जाता है, कभी नहीं बचता है। ठीक रियलमी, ओप्पो, वीवो, अभी जब हम देखेंगे इसमें हमें डाटा बचाने का ऑप्शन होता है, बट एमआई के मोबाइल में डाटा बचाने का ऑप्शन नहीं होता है। सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है जो हमने यूएमटी में बताया था, डिसेबल लॉक, उसको आप ट्राई कर सकते हैं। डिसेबल लॉक पे अगर आपका लॉक डिसेबल हो गया तो आप उसका डाटा कॉपी कर सकते हैं, अगर लॉक डिसेबल नहीं हुआ तो डाटा कॉपी नहीं कर सकते हैं। अभी इसमें हमारा एक और काम का ऑप्शन, डिसेबल ओटीए अपडेट, यानी अगर हमारा मोबाइल क्वालिकॉम का है या मीडियाटेक का है, हमारा मोबाइल चालू है, हमें उसका ऑटोमेटिक अपडेट बंद करना है, तो हम जाएंगे अबाउट में, बिल्ड नंबर पर टिक करेंगे, एमआई का है तो एमआई वाई वर्जन पर, और डेवलपर ऑप्शन खोल के यूएसबी डिबगिंग को हम ऑन कर लेंगे और फिर क्लिक करेंगे डिसेबल ओटी अपडेट पर, तो हमारा ऑटोमेटिक अपडेट बंद हो जाएगा। तो यहाँ आपको सिर्फ काम में कितनी चीज मिली, पहला यहाँ से आई क्लाउड चेक कर सकते हैं एमआई की, एमआई क्लाउड, और दूसरा डिसेबल ओटीए अपडेट। इसके बाद एमटीपी ड्राइवर एक्टिवेट ब्राउजर, ये आपको एमआई में जरूरी नहीं पड़ती। अभी जो ये फंक्शन है ये सभी में मिलेंगे, रियलमी ओप्पो में जाओगे तो वहां भी मिलेगा ये सेम फंक्शन। ये होते हैं हमारे एफआईपी बाईपास करने के लिए, कि हम डायरेक्ट ब्राउजर खुल जाएगा हमारे मोबाइल में, तो ये आपको सैमसंग वाले टैब में काम में आएगा, इधर नहीं आएगा। डाइग, डाइग में दिया है आई एम आई राइट कर सकते हैं, क्यू सी एन को रीडायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे आई एम आई राइट नहीं होता है क्वालिकॉम का, मैंने ट्राई किया है, प्रॉपर वर्क ये फंक्शन नहीं करता है। इसके लिए आपको ओरिजिनल आई एम आई रिस्टोर करने के लिए यूएमटी की सहायता लेनी पड़ेगी। अभी इसमें आता है मेटा मोड, तो ये भी मीडिया टेक के लिए यूनिवर्सल है। मेटा मोड में बूट करने के बाद हम इसका एनवी रैम रिस्टोर और बैकअप कर सकते हैं, यानी जो काम हम यूएमटी में करते थे वो इसमें भी ये होगा, और यूएमटी में प्रॉपर होता है, इसमें जो क्वालिकॉम वाले ऑप्शन काम नहीं करते हैं, मीडिया टेक को ट्राई करना पड़ेगा, यानी उसका ओल्ड सिक्योरिटी हम बैकअप ले सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन उन्होंने दिया है। हर बॉक्स में आपको 50वां फंक्शन मिलेंगे किसी बात की, लेकिन कोई गारंटी नहीं होती कि हर फंक्शन काम करे। अनलॉकिंग वाले जो फंक्शन है ऑल वर्क करते हैं, अदर फंक्शन नहीं करते, कुछ करते कुछ नहीं करते। तो आपका इस टाइप का था एमआई। फ्लैश में हमें फ्लैश करना है, सिक्योरिटी में जब भी जो मॉडल हमारे पास आया हम उस पर डबल क्लिक करेंगे, ये लिखा रेडमी 8A, हमने इस पर डबल क्लिक किया, ये हमारा जो सबसे पहला ऑप्शन है इसमें होता है फ्लैशिंग अनलॉकिंग, ये वो अनलॉकिंग, तो यहाँ से हम फैक्ट्री रीसेट जो जो भी कर सकते हैं हमें सामने दिखेगा। अब जैसे ही हमने मीडिया टैग पे क्लिक किया तो ये ग्रोम के नाम से आ गया, किस मॉडल में आप इतना काम कर सकते हो, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाला काम नहीं है, बड़ा इजी है। जिस मॉडल पे हम क्लिक करेंगे जो जो काम उसमें सपोर्टेड होगा अनलॉक टूल में वो आपको सामने दिखेगा, और जो नहीं होगा वो नहीं दिखेगा, हाइड हो जाएगा। तो ये था हमारा मीडिया टेक और क्वालिकॉम एमआई की अनलॉकिंग और फ्लैशिंग, लेकिन फ्लैशिंग यहाँ किसकी होगी ये भी एक नोटिस वाली बात है, फ्लैशिंग होगी सिर्फ आपके एमआई के क्वालिकॉम फोन की, इस वाले टैब से सिर्फ क्वालिकॉम मोबाइल की ही फ्लैशिंग होगी, और अनलॉकिंग किस किस की होगी, मीडिया टेक एंड क्वालिकॉम दोनों की। यानी एमआई का जो टैब बना हुआ है इसके अंदर आप एमआई के क्वालिकॉम मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं और अनलॉक मीडिया टेक एंड क्वालिकॉम दोनों को कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हमें मीडिया टेक फ्लैश करना है तो हम कैसे करेंगे, तो जो हमारा एमटी के यूनिवर्सल वाला टैब है इसके अंदर आएगा वो, तो वो हम इसके अंदर देखेंगे, अभी हमारे टैब में सिर्फ इतना ही काम था। इसके बगल में बढ़ता है टैब हमारा सैमसंग, तो सैमसंग पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो जैसा हमारा एमआई में ऑप्शन था मिलता जुलता ही सैमसंग में मिलने वाला है। देखो सैमसंग A3 2017, जितने भी मॉडल इसमें आपको एफआरपी हटाने के लिए मिलेंगे टोटल ओल्ड मॉडल मिलेंगे, न्यू मॉडल कौन कौन सा मिलेगा, मीडिया टेक एंड क्वालिकॉम का, एक्जिनोस सीपीयू का सैमसंग वाला इसमें अनलॉक नहीं हो सकता, वो सिर्फ आईएसपी से होता है या ऑनलाइन या फिर एफआरपी बाईपास करो, इसमें अनलॉक होगा या तो ओल्ड वर्जन, वो
ओल्ड मॉडल या फिर मीडिया टेक एंड क्वालिकॉम जिनके टेस्ट पॉइंट अवेलेबल हैं, तो वो टेस्ट पॉइंट वाले होते हैं। आप टेस्ट पॉइंट हमें कहाँ मिलेंगे किसी भी ब्रांड के, तो हमने जो अनलॉक टूल ओपन किया ये लिखा है टी पॉइंट, इस टी पॉइंट पर करेंगे हम क्लिक, ये लिखा है श्योमी, ये हमें श्योमी के इसमें टेस्ट पॉइंट दिए हुए हैं, ये लिखा है हवाई, वीवो, ओप्पो, सभी ब्रांड के हैं। अभी हमें देखना है सैमसंग, तो हम करेंगे सैमसंग पर क्लिक, जैसे सैमसंग के A31 पर मैंने क्लिक किया तो देखो ये यहाँ पे सिमजेक के पास एक पॉइंट है, इसको हमें ग्राउंड से टच करना है। अब इसमें देखो नीचे जहाँ मेरा माउस है यहाँ एक हल्की सी लाइन होती है, यहाँ से हम पिक्चर को छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो मैंने ऐसा खिसकाया, अब आपको दिख गया यहाँ इस ट्रे के पास ये पॉइंट है, इसको ग्राउंड से हमें टच करना है। अब ग्राउंड से टच कितनी देर के लिए करना होता है, कनेक्ट करके सिर्फ हमें यूएसबी लगानी होती है, यूएसबी हम लगाएंगे तुरंत हमारा ड्राइवर बन जाएगा और हम ट्रूजर हटा लेंगे। अगर कहीं ये टेस्ट पॉइंट नीचे है, हमें पूरा मोबाइल पैक करके कनेक्ट हम कर पा रहे हैं, तो अच्छा सॉल्यूशन होता है एक जम्पर यहाँ से निकालेंगे, प्लेट को सीधा कर देंगे और कहीं भी ऊपर ग्राउंड से टच करके हम यूएसबी लगाएंगे, जैसे ड्राइवर आया और हाथ हम छोड़ देंगे ताकि वो जम्पर ग्राउंड से हट जाए, तो हम इस टाइप से भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ टेस्ट पॉइंट दिए हुए हैं, तो ये जो मॉडल है इनमें क्या है, जैसे A3 है, इस पर किया हमने डबल क्लिक, अब मोबाइल को करेंगे हम डाउनलोड मोड में, मोबाइल को करेंगे डाउनलोड मोड में। अब इसमें मिलते हैं हमें दो ऑप्शन, एक तो हम डाउनलोड मोड में करके डायरेक्ट FRP कर सकते हैं, ओडिन एरेज FRP, अगर इससे नहीं हट रही है तो दूसरा ऑप्शन है राइट ENG रूट, ENG रूट हम राइट करेंगे, मोबाइल हमारा चालू होगा और जो उसकी USB डिबगिंग होती है ADP पोर्ट, वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी इस ENG रूट से, और फिर हम उसको ADB मोड में FRP हटा सकते हैं। तो ADB मोड में कहां से हटाएंगे वो अभी फंक्शन में आएगा यहां ऑप्शन। अब आपने एक चीज और देखी होगी, कभी कभी हम FRP हटाते हैं तो हमारा डिस्प्ले पे नीले कलर का एक जो एरर आ जाता है जिसमें लिखा होता है सॉफ्टवेयर करप्टेड या फिर कनेक्ट स्मार्ट असिस्टेंट, सॉफ्टवेयर यानी करप्ट का एरर आता है, मोबाइल हमारा चालू नहीं होता, वो वहीं अटक जाता है, तब हमें उसी कंडीशन में मोबाइल कनेक्ट करके ये लिखा है सॉफ्ट ब्रेक फिक्स, इस पे हम क्लिक करते हैं तो हमारा मोबाइल ऑन हो जाता है। और ये नीचे ऑप्शन दिया है रीड इन्फो, एक तो हम मोबाइल को डाउनलोड करके डाउनलोड मोड में देख सकते हैं हमारे कौन सा मॉडल है, कौन सी बाइनरी इंस्टॉल है, दूसरा हम चालू मोबाइल लगाएंगे या इस पे लिखा है ओडिन तो ओडिन मोड में इन्फो देगा, चालू मोड में भी देता है, तो यहाँ से हम उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि इसमें कौन सा वर्जन इंस्टॉल है और कौन सा मॉडल है। तो ये थी एक ओल्ड मॉडल के लिए सपोर्टेड फंक्शन। अब इस ओल्ड मॉडल की FRP जो मैंने बोला राइट ENG से ADB मोड आ जाएगा, तो ADB मोड कहाँ मिलेगा हमें FRP हटाने के लिए, हम जाएंगे फंक्शन पर, तो यहाँ क्या दिया है कॉम प्लस ADB में हम इन्फो भी ले सकते हैं, पुराने मोबाइल डायरेक्ट चालू करके हम लगाएंगे और फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक करेंगे तो पैटर्न हट जाता था, पहले आते थे जो 75, 62, 72 सबका हट जाता था ओल्ड मॉडल का। चालू मोबाइल को डायरेक्ट हम डाउनलोड मोड में ले जा सकते हैं। MTP इंस्टॉल ड्राइवर, यानी अगर हम FRP बाईपास करना चाहते हैं, डायरेक्ट हमें ब्राउजर ओपन करना है, तो हम यहाँ पहले ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे और फिर करेंगे हम इस पर क्लिक, तो इसमें हम करेंगे कंटिन्यू। अब इसमें हमें मिलती है मेथड कि हमें मेथड कौन सी यूज करना है, यूट्यूब, गूगल मैप, हिडन सेटिंग, अलायंस सील, सभी ऑप्शन है इसमें। और सबसे अच्छी बात है सैमसंग की FRP बाईपास कैसे करना है, अनलॉक टूल की साइट पे लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट मॉडल में हमें कैसे बाईपास करना है वो लोग अपडेट करते रहते हैं, और वहां पे अभी 2-3 वीडियो करेंट में दी हुई है, आप नए मॉडल पे वहां देख के बेहतरीन तरीके से ट्राई कर सकते हो। तो ये FRP बाईपास करने के लिए इन्होंने सिस्टम दिया है, नीचे सिस्टम दिया है ADB रिमूव पासपोर्ट, तो ये पासपोर्ट भी रिमूव होता है हमारा सिर्फ ओल्ड मॉडल का, रिमूव FRP, अगर ADB ऑन है तो कोई भी मॉडल हो हम FRP रिमूव कर लेंगे। सेट डुअल सिम, तो ये डुअल सिम के लिए स्पेशली फाइल होती है, जब सेट डुअल सिम होती है, जो पुराने कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जिनमें डुअल स्लॉट होता है लेकिन सिम एक ही चलती है, ये उनका काम है, ये अपने यहाँ नहीं आते। और नीचे दिया है डिसेबल OTA अपडेट, अगर आपको अपने मोबाइल का ऑटोमेटिक अपडेट बंद करना है तो आप यहाँ से उसको डिसेबल कर सकते हैं। तो ये थे कुछ फंक्शन। इसके बाद रोम EDL मोड, यहाँ हम क्या क्या कर सकते हैं,
बिल्कुल कर सकते हैं आप, लेकिन ये फंक्शन समझने से पहले ये समझेंगे हम मॉडल सेलेक्ट करके, ये नए मॉडल के लिए है। अभी जो हम वुडन मोडो ये सब देख रहे थे सर ओल्ड मॉडल के लिए काम था, अब ये काम जो आ रहा है ये नए के लिए हो। जैसे हम नए मॉडल पे सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पहुंच जाएंगे। कैसे हम इसको खिसकाएंगे नीचे, तो देखिए ये लिखा है सैमसंग गैलेक्सी A01। A01 एक छोटा सा मॉडल आता है सैमसंग का, नया ही है, तो ये लिखा है EDL, हम इस पर करेंगे क्लिक। तो देखो हम ऑटोमेटिक आ गए यहाँ पर, यहाँ लिखा है रेज FRP फैक्ट्री रीसेट, यानी हम इस मोबाइल का FRP भी हटा सकते हैं और पैटर्न भी हटा सकते हैं। अब